इस रूट पे ना ये मेरी काफ़ी मतलब यादें जुड़ी हुई हैं ये वाले रूट पे स्पेशली। यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ पे मैं काफ़ी बार आया हूँ ऐसे, ट्रेन से काफ़ी आते थे हम लोग, सुबह आते थे और वहाँ पे दर्शन करके गुरुद्वारे में शाम मतलब दोपहर की ट्रेन पकड़ के वापस चले जाते थे। वहाँ पे देखोगे तो वो है वो गुरुद्वारा और यहाँ फाटक से वो नज़दीक पड़ता है वो रहा सामने, और यही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मैं उतरा करता था। यहाँ से पैदल ही वो दिख रहा होगा बस, सामने ही है बस। मैं ये सोच के हैरान हूँ इसका ना तो रिवर्सल होता है ना कुछ होता है यहाँ पे, इसको मतलब 9:05 का टाइम है, 9:40 पे डिपार्चर है, 35 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इसको यहाँ पर। तो आ गया यार फिर से एक बार लुधियाना से ही यार, मतलब मेरा ना ये प्लान बिना कल ही है, मैं अमृतसर आज मेरा यार टाइटल हमने देखा तो पता लगी क्या होगा। हाँ यार इसमें मेरा कल ही प्लान बना है, कल भी इस वजह से क्योंकि इसमें सीट मिल रही थी। मतलब मैं अपने घर से कम ही जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ इस बार, लेकिन अब शुरू करूँगा यार क्योंकि अब मेरे पास घर पर ही था, कल ही मैंने बुकिंग करा तो सारा प्लान बना। अब यहाँ अजमेर है, वहाँ से जबलपुर साइड है, जबलपुर से फिर वापस दिल्ली साइड आऊँगा। तो आ गया भैया प्लेटफॉर्म पे, 3 नंबर पर ही आएगी, आए को तो मेरे को हो गया 15 मिनट। हालांकि मैं टाइम से निकला था घर से, मेरे को लगा था ट्रेन लगभग या तो निकल जाएगी, मेरे को ये था डर, लेकिन अभी आई नहीं है, आधा घंटा कुछ करीब लेट है और अब जा करके मेरे को दिखनी शुरू हुई है वही अमृतसर अजमेरा यार। ये वाया फिरोजपुर वाली है, सारी कुछ बताऊंगा अभी पहले ट्रेन में बोर्ड हो जाऊं, आज ज़्यादा टाइम नहीं है। यही है भैया अपनी, यही है भैया B1 कोच, मतलब स्लीपर जहाँ से ख़त्म होते हैं ना वहीं से मेरा वाला कोच शुरू है B1, यही है। और मेरी सीट भी बड़ी कमाल की है, सिर्फ 1 नंबर सीट है मेरी। चलो अब चलते हैं कोच के अंदर। तो फिलहाल कुछ ये सीन है, अंदर हल्की हल्की कूलिंग है, बेडिंग पहले से रखी हुई, और अच्छी बात यह है कि इन्होंने टॉवल भी बीच में पहले से ही रख दिया हुआ है ताकि बाद में मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी ये कुछ है, ऊपर भी बेडिंग पहले रखी हुई है, और कर्टन ऐसे वाले कर्टन जो है ना वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, जो इसमें ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा होता है। फर्स्ट टाइम मैं इस बार जा रहा हूँ जिसमें ये वाले कर्टन है, एंड डबल जो आर ऐसे लगाता है ज़्यादातर। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है, बाकी तो सफ़र के दौरान पता लगेगा नीचे सफाई हुई वो तो चलो ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग से आप बाद में कर लेंगे। यही थी भाई अपनी, यही है भैया अपनी अजमेर अमृतसर, मतलब अमृतसर से अजमेर बेसिकली अब तो वहीं जा रही है। हालांकि इसका सीन कुछ अलग ही है, देखो अब ये जब अजमेर से अमृतसर बनकर आई थी ना तभी आई थी 19613, तो ये अलग रूट से धूरी होकर आई थी, अब ये जाएगी अजमेर होकर। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा लुधियाना के आउटर से क्या इसका सीनेरियो वगैरह सब कुछ बताऊंगा। अभी सिग्नल हो चुका है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है इसके निकलने को, हालांकि काफ़ी टाइम से अब ये खड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर आते आते ना भी इसको 1.25 घंटा डिले यहीं पर हो चुका है, आगे पता नहीं क्या होगा। अभी 4:34 हो रहे हैं, इसका 3:40 का निकलने का टाइम था, लगभग 1 घंटे के करीब डिले हम लोग यहाँ से लुधियाना से अब निकल रहे हैं। यहाँ पर खड़ी अमृतसर नंगल डैम, इसमें भी AC के कोचेस और स्लीपर अटैच हो चुके हैं। मेरा होली के करीब प्लान था इसमें करने का, लेकिन मैं बीमार हो गया था फिर कर नहीं पाया था, फिर अब निकल रहा हूँ होली के बाद जा करके। हमारी तो वैसे लगभग प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, और इस तरफ अमृतसर नंगल डैम को भी स्टार्टर सिग्नल दे दिया गया है। वो वाली लाइन अम्बाला वाली है, ये धूरी को निकल जाएगी और हम लोग राइट होके फिरोजपुर साइड निकलेंगे। तो यही था यार, अब हम लोग राइट की ओर डाइवर्ट होंगे, और वो वाला जो रूट है ये सुबह जब ये अजमेर से आई थी ना तब ये जब अप वाली, जब देखो मोस्टली ट्रेन्स का क्या होता है कि जो नंबर जैसे इसका 19612 है तो अप वाली होगी 19611, लेकिन ऐसा नहीं था, सुबह जब ये आई थी तब ये 19613 से आई थी, तब ये उसी रूट से आई थी, मतलब ये इसका हिसार तक रूट सेम है, हिसार से अलग होता है, हिसार से जब ये सुबह आई थी तब ये वहाँ से संगरूर जाखल संगरूर और धूरी होते हुए यहाँ पर लुधियाना होते हुए फिर अमृतसर चली गई थी। अब ये वापसी में जा रही है तो वाया फिरोजपुर से रिवर्सल लेकर के वहाँ से बठिंडा फिर आकर
के हिसार से वही रूट ज्वाइन इसका हो जाएगा। तो भाई लगभग 1.25 घंटा डिले है अभी ये गाड़ी, पहले हॉल्ट पहुंची जग रहा हूँ। JGN कोड है, मतलब लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ही हम लोग अब तक, हम लोग 30 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस कवर किया है। वैसे तो गाड़ी यहीं पे लगे जगराओं पे, वैसे ये वैसे फिरोजपुर होकर जा रही है, तो मतलब इस रूट पे ना ये मेरी काफ़ी मतलब यादें जुड़ी हैं ये वाले रूट पे स्पेशली। यहाँ से अगला जो स्टेशन है ना वो है नानकसर, रुकेगी नहीं वैसे गाड़ी, मतलब जस्ट नेक्स्ट स्टेशन है। वहाँ पे मैं काफ़ी बार आया हूँ, ऐसे ट्रेन से काफ़ी आते थे हम लोग, सुबह आते थे और वहाँ पे दर्शन करके गुरुद्वारे में शाम मतलब दोपहर की ट्रेन पकड़ के वापस चले जाते थे। हालांकि अभी तक तो रुकी हुई है, तो जो भी गाड़ी आती है यहाँ पे वैसे रुक कर ही जाती है लगभग ट्रेन, तो वैसे इस रूट पे इतनी गाड़ियाँ तो है नहीं, लगभग पैसेंजर ही है, एक यही है लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ी, और कोई लॉन्ग डिस्टेंस है ही नहीं। हो गया भैया हॉल्ट, सिग्नल हो चुका है, ज़्यादा रुकेगी नहीं गाड़ी, अंदर ही चला जाए। जैसा मैंने बताया था ये इस मतलब इकलौती लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ी है जो यहाँ से होकर के जाती है, और मैं भी फर्स्ट टाइम मतलब फिरोजपुर मतलब इस रूट बेसिकली के यानी लुधियाना जगराओं मोगा और फिरोजपुर होकर के किसी लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहा हूँ। आज तक मैं बस इस रूट से आया हूँ ना, तो बस नानकसर तक गया हूँ या फिरोजपुर तक, बस अपनी नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने के लिए गया हूँ। अभी पूरा मतलब लंबी जर्नी पहली बार कर रहा हूँ इस रूट से। वैसे मैं जिस जगह की बात कर रहा था ना, एक बार ट्राई करूँगा यहाँ से एक बार उसका एक लुक दिखाने की, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरा तो मतलब आना जाना लगा ही रहता था, अब थोड़ा कम हो चुका है, वैसा पहले तो मेरा लगा ही रहता था, मतलब स्कूल डेज थे वो मेरे, तो यही है। वहाँ पे देखोगे तो वो है वो गुरुद्वारा, और यहाँ फाटक से वो नज़दीक पड़ता है वो रहा सामने, और यही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मैं उतरा करता था। यहाँ से पैदल ही आप वो दिख रहा होगा आपको, सामने ही है बस। ये जो सारी फसल है ना ये गेहूं की है, यानी हम इसको पंजाबी में कणक कहते हैं। ये 13 अप्रैल वैसाखी तक ये पूरी येलो हो जाएगी। मैं वैसे अपना कोच छोड़ के B2 में आया हूँ, मेरा B1 है, B2 तो लगभग खाली पड़ा हुआ है, पहले 3 कूप दरवाजे से तो लगभग एम्प्टी पड़े हुए हैं। यही एक रीज़न है कि क्यों मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि एक दिन पहले बुकिंग करवाई तो आराम से RAC में आ रही थी, तो मिल रही थी। मेरा कोई वैसे एक्चुअल कोई प्लान नहीं था इसमें जाने का,
मैंने इसमें पहले सोचा था काफ़ी टाइम कुछ टाइम पहले कि मैं स्लीपर में करूँगा, अगर इसमें कभी गया भी तो पहले से स्लीपर में करा के रखूँगा। लेकिन क्या करें, अब वीकेंड आ रहा था तो मेरे को किसी ना किसी ऐसी ट्रेन में चाहिए थी जिसकी आराम से मिल जाए एक दो दिन पहले, इसकी मिल रही थी मैंने करवा ली। तो भैया लगभग अभी भी 1.5 घंटा डिले ही है, फिर पहुंच चुकी है अब ये मोगा रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड MOGA। वैसे यहाँ पर गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट है, यानी लुधियाना से फिरोजपुर के सेक्शन के बीच में सबसे लंबा हॉल्ट यहीं होने वाला था, लेकिन अभी ज़्यादा रुकेगी नहीं, पहले से डिले है, यहाँ से भी काफ़ी यात्री चढ़े हैं। वेल मोगा इसको 1995 में फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था, और हमारे सोनू सूद जी बॉलीवुड के काफ़ी चहेते कलाकार यहीं से बिलोंग करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोगा इस मतलब रूट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यही है, और ऑब्वियसली स्टॉप भी बड़ा था, ज़्यादा भी नहीं था, फिर भी 2-3 मिनट रुकी होगी। चलो अब सीधा तलवंडी है, उसके बाद फिरोजपुर, वहाँ से रिवर्सल होना है। गाड़ी तलवंडी पहुंची है और यहाँ पर सतलुज एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग है हमारी, जो कि फिरोजपुर से चंडीगढ़ को जा रही है। वैल यही वो ट्रेन थी जिससे मैं आता था नानकसर, यानी लुधियाना से, क्योंकि ये सुबह 7:15 के करीब निकलती लुधियाना से और पहुंचा देती है आपको 8:30 के करीब, आपको नानकसर उतार देगी 8:30 या 9:15 के करीब। तो यही थी, उसमें जाया करता था, ये मेल है ना सुपर, मतलब कम रुकती थी, तो उस हिसाब से आते हम लोग पैसेंजर ट्रेन से थे। हालांकि इस साइड प्लेटफॉर्म है और इस साइड गुड्स ट्रेन खड़ी है, यानी तलवंडी पे हम नारी सेंट्रल लाइन पे कर हॉल्ट ले लिया हमको। इसको पहले चला दिया हुआ है, हमारी वाली तो अभी भी खड़ी है। वो तो गई, अब हमको भी क्लियरेंस मिल चुका है। आगे देखोगे तो अब क्या इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी भी चल रहा है उधर, और ये रूट क्योंकि अभी अनइलेक्ट्रिफाइड ही है। दिन जो है वो लगभग ढल ही चुका है एक तरह से, और गाड़ी अब पहुंच रही है फिरोजपुर कैंट, लगभग 15 मिनट गैप में है इसका टाइम से। वेल अब गाड़ी ने पहुंचा दिया फिरोजपुर पे। वेल इससे पहले कुछ 1.5 घंटा करीब लेट चल रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कवर कर लिया, 15 मिनट मुश्किल से डिले होगी, और 25 मिनट का ऑलरेडी हॉल्ट है, क्योंकि अब तक गाड़ी इस डायरेक्शन में आई थी, अब लोको हट के इधर लगेगा और इस डायरेक्शन जाएगी बठिंडा साइड पे। वेल यहाँ से केवल लोको को ही नहीं निकालना है, ये जो एक रेड वाला कोच है इसको भी पहले अलग से लेकर जाएंगे, और फिर अलग से लोकोमोटिव आके यहाँ से लगेगा और फिर जाएगी, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। चलो जब तक कुछ खाने पीने के लिए देख लेते हैं, वैसे तो मैं रात का डिनर अपने साथ ही लेकर के आया हूँ, फिर भी चाय वगैरह देख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम है यहाँ पे मेरे पास। वैसे जो भी ट्रेन यहाँ पर आती हैं लॉन्ग डिस्टेंस होती है, जैसे ये है, कोई भी ट्रेन यहाँ से स्टॉप लेती है तो आगे नहीं जाती इससे, जैसे इस डायरेक्शन से आती है तो इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, वो कोई भी ट्रेन हो। और गाड़ी बैक तो जाएगी ही, क्योंकि ये जो एरिया है ना आगे, इसके एरिया ख़त्म हो जाता है, बॉर्डर एरिया है यहाँ पे। हुसैनी वाला एक बॉर्डर भी है और एक हुसैनी वाला एक स्टेशन भी है जिसके आगे रेलवे का डेड एंड है, मतलब वहाँ से आगे कोई गाड़ी नहीं जाती, तो उस वजह से यहाँ से मैंने चेक किया गूगल मैप पे, यहाँ से हार्डली 12 किलोमीटर है वो हुसैनी वाला बॉर्डर, मतलब इंडिया 12 किलोमीटर तक है, उसके बाद ख़त्म। यहाँ से चाय और पैटिस ली है, मेरे से पकड़ी नहीं जा रही भाई, गर्म कुछ ज़्यादा ही है। अभी भी देख लो 6:50 होने वाले हैं, अभी वैसे चलनी है, अभी तो लोकोमोटिव भी आगे लगना है जा करके।
हालांकि मैं घर से अपने लिए अलग से ब्रेड रोल्स और आलू टिक्की है मेरे पास, लेकिन फिर भी चलो ये साथ में हो जाएगा और मज़ा आएगा। 30 की प्लेट बोल रहे थे, उसमें दो पीस थे, मैंने कहा चलो 20 का एक ही बहुत है, क्योंकि तो घर से मैं तो ऑलरेडी लाया हूँ और चाय होगी, यही कुछ है मेरे पास। अभी देख लो मेरा ये दूसरा कप लेने आया हूँ चाय का, एक से मेरा मन नहीं भरा, और आगे जा कर के देख रहे थे तो अब जा कर के कहीं वो कपलिंग हो रही है, यानी अब जा कर लोकोमोटिव लग रहा है, लगेगा अभी भी इसको टाइम। चलो अब लगभग 20 मिनट के डिले के बाद अब निकल रही है फिरोजपुर कैंट से। वैसे अब मैं BE1 में आ चुका हूँ, क्योंकि फिरोजपुर से कोई फैमिली वाली जगह थे तो वहाँ से मतलब चार को छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। अभी BE1 में मतलब साइड लोअर मिली है मेरे को, तो ये चलो मैंने वैसे भी बुकिंग के टाइम पे साइड लोअर डलवाया था, मेरी लोअर थी, चलो अब साइड लोअर ही मिल चुकी है मेरे को। यही है जोधपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस। पहुंच चुकी है फरीदकोट पे। अरे ये क्या, यहाँ पे प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और यहाँ पे ख़त्म भी हो गया, मतलब नीचे लेवल को है काफ़ी इसका प्लेटफॉर्म। अभी फरीदकोट पे आई ही थी और बस हॉर्न हो भी चुका है, सिग्नल स्टार्टर मिल चुका है। वैल ये मालवा रीजन में आता है पंजाब के फरीदकोट। ऐसा है कि फरीदकोट एक पाकिस्तान में भी है, एक यहाँ पर भी है, जैसे पाकिस्तान का एक हैदराबाद है वैसे यहाँ पे भी हैदराबाद है। पाकिस्तान का पंजाब अलग है, यहाँ का इंडिया का पंजाब अलग है, वैसे ही वहाँ का फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी फरीदकोट मतलब वहाँ पे टाउन है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का FDK, स्टेशन कोड FDK है। वैसे इस साइड प्लेटफॉर्म नीचे लेवल पर था, लोग भी मुश्किल से चढ़ रहे थे और मैं फ्लैश से ही काम चला रहा हूँ, काफ़ी अंधेरा है इस साइड पर। हालाँकि ये सबसे बड़ी कॉटन मार्केट है साउथ ईस्ट एशिया की, बेसिकली आता तो चलो मालवा रीजन के पंजाब में, ज़्यादा कुछ है नहीं, अंधेरा अंधेरा ही है, अंदर ही आ जाए, वैसे भी सेफ है नहीं। तो भैया अभी लगभग 8:30 हो रहे हैं, अभी पहुंची है कोर्ट कपूरा पे, KKP कोर्ट है, यानी वैसे देखा जाए तो हम लोग अभी 169 किलोमीटर कवर किया है लुधियाना से अब तक, और इतने में ना ये ट्रेन हमको घुमाकर लेकर आई है। मतलब आप देखो लुधियाना ऐसे है, मतलब हम लोग इस साइड से ना ऐसे गए थे और रिवर्सल लेकर अभी ऐसे आए हैं, मतलब हम लोग लंबा लेकर के आ रहे हैं ना। देखा जाए तो अगर लुधियाना की बात करो, लुधियाना से बाय रोड ये जगह पर हम लोग 2 से 2.5 घंटे के बीच में आ सकते थे, ये हमको पूरा ऐसे फिरोजपुर घुमाकर लेकर आई है, जो कि लंबा ही है चलो ऑब्वियसली, क्योंकि लुधियाना से डायरेक्ट ट्रैक तो है नहीं यहाँ के लिए, फिरोजपुर वाया ही आना पड़ता, कोटकपूरा या बठिंडा से आना पड़ता है, वो तो और लंबा पड़ेगा। तो ये कुछ बात, ये वैसे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, कोट कपूरा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से मुक्तसर होते हुए फाजिलका से लाइन आ रही है सीधी इस तरफ से, हम लोग तो इस तरफ से हैं, वो इस तरफ से आई है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अच्छा माहौल है और यही है भाई, यहाँ पर फिर भी चलो प्लेटफॉर्म पर उतर रहा हूँ तो उन तो फरीदकोट पर तो उतरा भी नहीं जा रहा था, वहाँ पर तो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट तो उसी में आता अभी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में ही कोट कपूरा। अभी गंगसर जैतू से निकली है, लगभग 9 बजने को आ रहे हैं और अब जा कर के मैं अपना घर से लाया हुआ डिनर करने लगा हूँ। देखो वैसे तो मैं यहाँ से भी ले सकता था, लेकिन जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मैं लेकर ही निकलता हूँ, मेरी आदत ही है। हालांकि इस ट्रेन में भी मिल रहा है E-catering, इसमें है ओनली ऑनबोर्ड केटरिंग नहीं है, लेकिन मैंने देखा कुछ स्टाफ जो है वो ऑर्डर भी ले रहे हैं और यहाँ पर सामान भी है, यानी ऑनबोर्ड केटरिंग जैसा ही लग रहा है, हो सकता साइट पर अपडेट ना हुआ हो और इसमें ऑनबोर्ड केटरिंग भी हो गई हो शुरू, जो भी हो हमारे पास तो वैसे भी है। मैं पनीर लाया था, ये सिर्फ पनीर ही है इसमें और कुछ भी नहीं है, वो भी मेरी जल्दबाजी में मम्मी ने बना करके दे दिया था ऐसे ही, और रोटी होगी बस वही है। यार मैंने मम्मी को बोला भी था ज़्यादा रोटी मत देना, मम्मी ने फिर 4 डाल दी, 3 बोला था मैंने, मेरे से तो 3 भी नहीं खाई जानी थी, चलो जब ये जितनी खाई जाती है नहीं तो रख लूँगा। अभी 9:13 हुए हैं, वैसे 9:05 पे लगभग पूरे टाइम पर ही आ गई थी ये गाड़ी, मतलब ये गाड़ी अब बठिंडा पे आ चुकी है, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन को ऐसे रात में देख रहा हूँ, और गाड़ी मेरी इस साइड है, वैसे कोई भी गाड़ी मेरी अभी मैंने पिछले की थी वो तो चलो वीडियो गई मेरी त्रिपुरा सुंदरी, वो उस साइड ही आती है और वही प्लेटफॉर्म रहता है जितनी भी मैं गाड़ियों में यहाँ पर आया हूँ, ये पहली गाड़ी जो इस साइड आई है और रात में मतलब देखने को मिल रहा है मेरे को बठिंडा स्टेशन कोड BTI। वैसे 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये, अंबाला डिवीज़न में आ चुके हैं, मैं बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था आउटर पे वेलकम टू अंबाला डिवीज़न बठिंडा, वैसे
पूरे पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा तो यही है। मैं पहले भी दो तीन बार ये बात कह चुका हूँ, चलो खाना खा लिया तो चलो घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह। मैं ये सोच के हैरान हूँ, इसका ना तो रिवर्सल होता है ना कुछ होता है यहाँ पे। इसको मतलब 9:05 का टाइम है, 9:40 पे डिपार्चर है, 35 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इसको यहाँ पर, 35 मिनट रुक रही है ये यहाँ पे। वैसे अगर आपने खाना पीने का अरेंजमेंट नहीं किया तो ये भटूरे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हालांकि सस्ते में हो ही जाता है, भले आप ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, यही बहुत है। चलो अब जब तक इतना ये रुक रही है तब तक इसकी देखो या पूरी डिटेल बताता हूँ। देखो इसका क्या है सीन, देखो 19612 है अमृतसर अजमेर वाया फिरोजपुर बेसिकली। अब पूरा रूट बताऊँ तो इसका, देखो अमृतसर से आएगी लुधियाना, लुधियाना से फिरोजपुर, फिरोजपुर से जैसे अब रिवर्सल लेके बठिंडा है, यहाँ से जाएगी सिरसा, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर वहाँ से रेवाड़ी जाएगी, मतलब रेवाड़ी पहुँचेगी तो मतलब दिल्ली जयपुर वाला मेन रूट ज्वाइन होगा, वहाँ से ऐसे अलवर, फिर बांदीकुई, फिर जयपुर और फिर किशनगढ़ होते हुए सीधा अजमेर। ये फुलेरा नहीं रुक रही है, मैं ये देख कह रहा हूँ फुलेरा, हालांकि काफ़ी लगभग सुपरफास्ट ट्रेन भी रुकती है, ये मेलों के भी नहीं रुक रही। चलो कोच कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार है, जैसे चलो चेंज होता रहता, अब रिवर्सल होने के बाद बता रहा हूँ। अमृतसर से इसके एसी पीछे को होते हैं, अब बठिंडा आ गए, बठिंडा में इसका एसी के कोच आगे आ चुके हैं, चार जनरल हैं, ठीक है, दो आगे हैं, दो पीछे को है, ठीक है, दो ईओजी हो गए और इसके सात स्लीपर है, मतलब ये वो ट्रेन मतलब है अभी भी, चलो स्लीपर इसके बरकरार हैं, चार थ्री टायर हैं, B1, B2, B3, B4 और एक BE1 है, मतलब टोटल पाँच हो गए, एक A1 है, दैट्स इट। ये कुछ है इसका कोच कॉम्पोजिशन अभी तक का। ये जो 19612 है ना, ये चलती है अमृतसर से ट्यूसडे और थर्सडे को, दोनों ही टाइम पे कुछ 823 किलोमीटर कवर करती है ये, दोनों से 17 आवर्स लगाती है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है कुछ हद तक, क्योंकि देखो यहीं पे इसका 40 मिनट का लगभग हॉट है, 35-40 मिनट का यहीं पे हॉट है ना, इसका कोई मतलब लोको रिवर्स होना ना कुछ होना है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत टाइमिंग वेस्ट हो रहा है इसमें, बाकी तो चलो फिर भी ठीक है, मतलब उस हिसाब से 25 हॉट ले रही है, मतलब जो वाया धूरी जाती है वो भी दो दिन है, ये भी दो दिन है, चलती है संडे और फ्राइडे वाले दिन, ये ट्यूसडे थर्सडे है। चलो भैया अब नियरली लगभग आधे घंटे से ज़्यादा रुकने के बाद अब निकल रही है बठिंडा से, सो राइट नाउ लगभग 11:45 के करीब टाइम हो रहा है, अभी मैं सोने लगा हूँ, लगभग लोग जो है सो ही लगे, तो लाइट वे भी बंद होने वाली है, लो होने वाली बस, तो सिरसा से कुछ टाइम पहले है, मतलब मैं वैसे कोशिश करूँगा जयपुर से मिलने की, कुछ 6:30 के करीब पहुँचेगी अगर नींद खुल गई तो, क्योंकि बहुत नींद भरी थी मेरे, वैसे भी सुबह का उठा हूँ, सुबह मिलता हूँ बस, जहाँ भी नींद खुली भले वो जयपुर हो, किशनगढ़ हो, जहाँ भी हो, अभी कह लिया गुड नाइट। अभी 6:30 हुए हैं और अब जा कर के गाड़ी जयपुर पहुंची है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर यार, मेरे को मतलब अंदर यार इतनी ठंड हुई पड़ी ना, मतलब बाहर आके फिर भी सही लग रहा है, सच बता रहा हूँ, अंदर बहुत एसी इन लोगों ने चिल किया हुआ है, मतलब काफ़ी लोग तो अभी बोल रहे यार जो ऊपर सोया होगा उसको तो ठंड लग रही होगी, मैं तो फिर भी नीचे सोया था, ये कुछ हाल है। हालांकि अटेंडेंट अभी मेरे को दिख नहीं रहा, दिख रहा तो कहूँगा यार थोड़ा कम करो। ये है भाई अभी तो जयपुर पहुंची है, लगभग गाड़ी खाली हो चुकी है, मेरे को ना पीछे भी देखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन का कोच मेरा वाला कूपे भी लगभग खाली है और मेरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ अंदर, मैं यहीं से देख रहा हूँ मतलब विंडो से ही। वैसे ये मेरा सेकेंड टाइम है, मैं इससे पहले मैं 1.5 हफ्ता पहले यहीं से गया था और अब फिर वहीं पे आ गया हूँ, मतलब मेरा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि मैं तो बताया ना भाई मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, मेरे को बस खाली मिल गई, मेरे को बुकिंग मिल गई, मैं चढ़ गया था इसमें, मेरे को कोई वो प्लानिंग नहीं था कि मेरे को आना ही है, 1.5 हफ्ता पहले मेरे को नहीं पता था मैं यहीं पर आऊँगा होली से पहले, अभी होली के बाद आ रहा हूँ। टाटा मिल चुका है ऑलरेडी, हमारी भी निकल चुकी है और सामने आई है पूरी जोधपुर। Thank you.
भाई मैं ना वैसे रात को ज़्यादा सो भी नहीं पाया, मतलब इतनी ठंड इतनी लग रही है और अभी भी इतना ज़्यादा एसी हुआ पड़ा है। अभी तक अटेंडेंट मिला नहीं है मेरे को, वो कह रहे थे जो कोच के हाउस कीपिंग था वो कह रहे अगर आएंगे तो मैं भी कह दूंगा, मतलब यहाँ पे तो अटेंडेंट भी नहीं, अभी ये हाल है इसका और एसी मतलब जेल मार रहा है पूरा, और मैं इधर यहाँ पे देख रहा हूँ उनको अटेंडेंट भाई साहब को कि भैया जल्दी मिले। बाकी ये था रात में तो ज़्यादा कुछ नींद आई नहीं, अभी कुछ यही कुछ हाल है, ये हाल है। और अभी जो बेडिंग्स जो हैं वो अभी कुछ एक जगह लगाई जा रही हैं क्योंकि अजमेर आने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ये कुछ है फिलहाल। मतलब ट्रेन ओवरऑल ठीक है, अभी साफ सफाई भी मतलब ठीक है, हालांकि अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत गंद वगैरह हो गया था रात में, लेकिन उस हिसाब से मैं कहूँगा फिर भी ठीक है ट्रेन, ज़्यादा उतनी बुरी नहीं है। हाँ हालांकि ये मोस्टली पैसेंजर इसके जयपुर में ही खत्म मतलब उतर जाते हैं, मोस्टली ट्रेन वहीं पे एम्प्टी हो जाती है, आते भी उसके लिए और भरती भी जाते वक्त भरती भी वहीं से। चलो जब तक फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ फिर फुलेरा आएगा, फुलेरा तो रुकते नहीं है, किशनगढ़ आएगा जो भी है। अभी ये फुलेरा पर पहुंच रही है, हालांकि स्टॉप तो इसका नहीं है फिर भी लग रहा है जिस हिसाब से चल रही है तो रुकेगी जी। जैसे ही रोकी थी वैसे निकल भी गई फुलेरा से, ज़्यादा रुकी तो है नहीं। चलो अब देखो भैया इसका अगर ये वाला सिनेरियो दिखाऊंगा तो मेरा तो चलो सामने जो दिखता है टैप है, लेकिन नीचे बस पानी पानी हुआ पड़ा, सुबह सुबह का टाइम है और लोगों ने गंद भी यहीं पे फेंका हुआ है सब लगभग, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है और साफ़ सफाई भी ज़्यादा अभी हुई नहीं है, एक बार अंदर ले चलो वॉशरूम के। अभी जिस तरह से इसका मतलब मेरे को सिनेरियो लगा, देखो भैया सिर्फ एक चीज़ की डिसएडवांटेज लगी मेरे को, देखो टैप है और ये देखो यहाँ पे ये ऐसा सॉकेट भी है, 3-pin सॉकेट चलो लगाया हुआ है वो तो चलो अलग देखने को मिला, जो सोप है ना ये देखो आ तो रहा है लेकिन ये काफ़ी पतला सा है,
तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है काफ़ी इसको जगह बनाने के लिए, वो थोड़ा है कॉम्प्रोमाइज इसके लिए करना पड़ेगा। बाकी नीचे गंदा हुआ पड़ा, अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, बस मतलब मैंने ये दिखाना था कि इसका ये है और एक यही चीज़ बस नहीं लगी मेरे को देखी, बाकी तो चलो एवरेज है और स्मेल ज़्यादा आ नहीं रही है, ठीक है कुछ, लेकिन इसका ये सफाई भी अभी तक हुई नहीं है एक बार भी इसकी, ना अंदर ना वॉशरूम में। यार बाहर का मौसम एक बार ज़रा चेक करोगे ना तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, गौर से देखोगे तो ये हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी भी यहाँ पे देखोगे तो, और मौसम कमाल का हो गया है। हालांकि भी अंदर तो ठंड है ही है, एसी बहुत है, लेकिन बाहर भी ठंड हो चुकी है। तो भैया लगभग समय से कुछ दो तीन मिनट पहले पहुंची है किशनगढ़ पे, KSG कोड है, मतलब मेरे लिए अब यहाँ पर उतरना भी एक सही जगह है, मतलब लोकेशन भी बहुत अच्छी लगी ना। आप देखो ना, एक तरफ ये DFC के ट्रैक्स हैं और इस तरफ हमारे मेन ट्रैक जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है, तो यहाँ पर आके अच्छा लग रहा है। और पूरा मतलब एरिया भी है ना पहाड़ों से ऐसा थोड़ा बहुत गिरा हुआ, मेरे पीछे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा किशनगढ़ फोर्ट यहाँ का, मतलब सुनने में आता है कि किशनगढ़ का फोर्ट ये, हालांकि पता ही तो ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन फिर भी फोर्ट जैसा था तो नाम किशनगढ़ का ही पड़ता है। वैसे यहाँ पर सामने स्टॉल है तो है टी वगैरह का, लेकिन मैं ले नहीं रहा अभी, कल मैं घर से लाया हुआ फ्रूट्स वगैरह काफ़ी लिया था, तो अभी उसी को ख़त्म करता हूँ, वही वगैरह खाया अभी थोड़ा फ्रूट्स वगैरह, उसके बाद ही यहाँ पर आया हूँ। एक किशनगढ़ है यहाँ पर, एक किशनगंज है वो बिहार में है, मतलब जलपाईगुड़ी से कुछ एक दो एक डेढ़ घंटा पहले आया था ना किशनगढ़, ये किशनगंज है, ऐसा थोड़ा ना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वैसे लुधियाना से लेकर किशनगढ़ तक हम लोगों ने 846 किलोमीटर कवर कर लिया हमें, इसने तो कुछ 942 किए हमें। भैया अब सेकंड लास्ट स्टॉप से भी अब निकल गई है, अब सीधा अजमेर है। जी पहुंच चुके हैं अजमेर पे, वैसे इसका 9:05 पे टाइम था और मेरे पीछे टाइम ही देख लो अभी 8:40 हो रहे, वैसे तो 5 मिनट मेरे को आते हुए हो गए, यानी आधा घंटा बिफोर आई है, आधा इसका रोज का यही है, मतलब रोज का नहीं जब भी आती है, पिछली बार भी है, पिछले भी मैंने लोकेशन ट्रैक की तब 8:35 पे आ चुकी थी, अब भी 8:35 के करीब आ चुकी है, मतलब टाइम से तो बिफोर है, स्लैग दिया हुआ है ना काफ़ी, सेकेंड लास्ट स्टॉप पे और लास्ट स्टॉप के बीच हर ट्रेन को स्लैग ज़्यादा दिया हुआ है, इसका भी वही है। तो ये कुछ है अपने अमृतसर अजमेर की कहानी, मतलब ये गाड़ी आने के लिए ठीक भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑक्यूपाइड नहीं रहती, मोस्टली ऑक्यूपाइड रहती है, कुछ सीटें मिल जाती हैं AC में, स्लीपर हो तो भैया पहले से करवा लेना, पहले ही बता रहा हूँ AC में मिल जाएंगी, थर्ड AC में, सेकेंड AC और स्लीपर फुल था, थर्ड AC अवेलेबल थी, मेरा भी मैंने भी यही किया, थर्ड AC में मार ली, अगर सेकेंड AC होता तो मैं सेकेंड AC में करवा लेता। तो ये कुछ थी, हालांकि अब मेरी फिर 3:30 यहीं से गाड़ी है, तो तब तक थोड़ा बहुत खाना पीना खाता हूँ, वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस फ्रूट से ही काम चला रहा हूँ। तो लाइक कर देना वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं करते ऐसे ही देख के चले जाते हो, फिर मिलूँगा उसी जर्नी से यहीं से जो अगली स्टार्ट हो रही है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।